राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा परम आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का जन्मदिन के उपलक्ष में 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक एक स्वाभिमान सप्ताह करके मनाया जाता है, उसका एक भाग करके हर तालुका, हर जिला लेवल पे, हर फ्रंटल है हमारे, सेल्स है, सारे लोग अपने अपने ताकत से अपने अपने एरिया में ये सब कार्यक्रम करते हैं। थोड़ा सा बम्बई की बिगड़ती परिस्थिति देखते हुए लोगों को थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, इसके लिए कई जगह पे हमने हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं। कुछ लोगों ने अलग अलग अस्पताल में फ्रूट बांटने का काम भी चालू कर, और कई लोगों के हेल्थ चेकअप हैं, ऐसे अलग अलग किस्म के कार्यक्रम हम 18 तारीख तक सब करते हैं। सप्ताह के उपलक्ष में होना चाहिए। एक्चुअली बम्बई में आज की तारीख में आपको मालूम है पोल्यूटेड हवा है, लोगों का जीवन का सारा थोड़ा लोग अलर्ट रह जाते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर चेकअप किया, ब्लड चेकअप है, लोगों को समझ में आता है कि भाई क्या प्रिकॉशंस टूवर्ड्स टू हेल्थ लेना चाहिए, अपनी तबीयत की कैसी कैसा ख्याल रखना चाहिए, वो भी लोगों को थोड़ा सा अलर्ट करने का कार्यक्रम है। और इस जिले में 24 से लेके 12 तारीख तक सब बाजू ये हेल्थ चेकअप के कार्यक्रम होने जा रहे हैं, काम करता है। ठीक है, लोगों को थोड़ा सा अब नहीं, वो आने वाले टाइम में समझ में आएगा कि भाई उम्मीद जैसा ही या उम्मीदवार या यहाँ का प्रमुख ऐसा ही होना चाहिए, उस दिन लोगों के समझ में आएगा कि भाई सब सारी चीज़ करने के लिए सिर्फ उम्मीद जैसे ही कार्यकर्ता आगे आते, जो वोट मांग के अपना वोट का राजनीति करने वाले लोग साल भर या 5 साल का रहते पता नहीं चलता, इसके लिए तो हम लोग को लोगों के बीच में जाना पड़ता। छाबरी जी, पवार साहब के बर्थ के मौके पे जो प्रोग्राम रखा है, तो इन्होंने पवार साहब के उस मकसद को पूरा किया जो 80% समाजकारण करना है और 20% राजकारण। और मैंने उमेश जी में ये देखा हूँ कि उन्होंने कभी राजकारण से ज़्यादा पब्लिक की सेवा में उतरे, इलेक्शन के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी आज वो मार्केट में है, पब्लिक के बीच में, उनके हर छोटे बड़े काम में, गली से लेके गटर तक का सब काम वो संभाल रहे। तो मुझे लगता है कि जो पवार साहब ने एक मकसद दिया था हमको, उस मकसद को ये काम कर रहे हैं, मेडिकल कैंप से साफ सफाई का जो उनका हमेशा मुहिम चलता है तो हमेशा करते रहते हैं, उम्मीद है कि ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। उनका 500 की तरफ से अभी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष के रूप में 11 नवंबर 2017 को मेरी नियुक्ति हुई, और हमने माननीय श्री शरदचंद्र जी पवार साहब का एक ऐसा है कि जन्मदिवस के अवसर से हमने शुरुआत की हमारे राजनीतिक करियर की, हमारा ये मानना है, क्योंकि हमारे पवार साहब का एक ही धोरण रहा है 80% समाजकारण और 20% राजकारण। हम यूथ हैं, यूथ की वजह से हमने प्रमोट किया है कि जो हमारा यूथ में उत्तर पश्चिम जिला राष्ट्रवादी युवक मुंबई कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने पूरे जिले में 14 तारीख से लेके 29 दिसंबर तक पूरा 7 हिल्स हॉस्पिटल को हम लोगों ने टाइप करके, उसमें कुछ संस्थाएं जैसे नेत्र चिकित्सा जन कल्याणी संस्थाएं, डॉक्टर नेहा कुरेशी उनके साथ में मिलके हमने बहुत बड़ा इवेंट रखा है मेडिकल कैंप का, और ये हमारे पूरे जिले स्तर में और जिस क्षेत्र में है अभी फिलहाल, ये वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र का वार्ड नंबर 61 है, जहाँ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खुद यहाँ पे मेरी मिसेस को रजिया कुरेशी को दिया गया था। तो यहाँ से ऐसा हुआ कि हम लोग यहाँ पे, हमारा वोट बैंक नहीं था, हम लोग यहाँ पे कमतर के आए, लेकिन हमारा एक ही धोरण है कि मतलब समाज के बीच रह के हमको समाज का काम करना है। हेल्थ आज युवा पीढ़ी है जो कि ड्रग्स में इसमें सब जा रही है, अभी इसके बाद में हमारा नेक्स्ट इवेंट होने वाला है
वो भी जिला स्तर पे, ये कि उत्तर पश्चिम जिला प्रत्येक तालुके में, हर तालुके के हिसाब से ड्रग्स मुक्त उत्तर पश्चिम, ये हमारा एक नया उपक्रम रहेगा इंशाल्लाह। ये भी हम लोग बहुत आने वाले दिनों में इसमें हमको, इस कार्यक्रम में हमारे मुंबई अध्यक्ष सचिन भाई और हमारे यूथ के मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट नीलेश भोसले जी और हमारे माइनॉरिटी सेल के डिपार्टमेंट के मुंबई अध्यक्ष सोहेल सुबेदार भाई, इनका सबका मार्गदर्शन है और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव सुधाकर वड्डे साहब, इनका भी हमको मार्गदर्शन है कि ये कार्यक्रम में जो भी हमारा स्पॉन्सरशिप हम लोग किसी और से लेते नहीं है, चंदा वसूली करके हम लोग ये कार्यक्रम करते नहीं, हमारे लेवल पे हम लोग करते, ठीक है, लोगों के बीच में जाना है, लोगों का काम करना है। और हमारे तालुका अध्यक्ष महबूब शेख अंधेरी पश्चिम के तालुका अध्यक्ष हैं, अभी इनके यहाँ पे 21 तारीख को यही सेवा का लाभ वहाँ पे ले सकते हैं। और सेवन हिल्स हॉस्पिटल से हमने यहाँ से टाइप किया है राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के मुंबई प्रदेश की ओर से, और लोगों से एक ही आह्वान करते हैं कि अगर किसी को कुछ भी ऐसा तकलीफ है कि सेवन हिल्स हॉस्पिटल में या तो मुंबई के जो 7 बड़े हॉस्पिटल हैं अगर उसमें कुछ ऐसा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।